आशेर माँ सर्वमंगला माँ महिषासुर मर्दिनी ऐसे अनेक तीर्थ क्षेत्रों की धरती, मैं उस धरती और धरती के लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को अशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। अशोल परिवर्तन आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया पिछले 70 साल में यही देखा। मैं बंगालवासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया, लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए। लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट, ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई, यहाँ बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं, दीदी का भी ट्रैक रिकॉर्ड, दलितों का हक छीन लेना, आदिवासियों का हक छीन लेना, पिछड़ों का हक छीन लेना, गरीबों का हक छीन लेना और वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते रहना, यही इनका खेल चला है। मैं बंगाल के दलितों को, बंगाल के आदिवासियों को, बंगाल के पिछड़े लोगों को, बंगाल के गरीब लोगों का आश्वासन देना चाहता हूं, अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। आज हर बंगालवासी कह रहा है, दीदी के तो बोलछी किंतु उन्हीं सुनिछन्ना, अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है, क्यों ममता सरकार ने लाखों गरीबों को पक्के घर से वंचित रखा। दीदी को लगता है इन सब योजनाओं का फायदा अगर लोगों को होगा तो लोग मोदी को आशीर्वाद देंगे। अरे दीदी, आपको मोदी को क्रेडिट नहीं देना था तो मत दीजिए, लेकिन अपने गरीब के पेट पर लात क्यों मारी? बाबा साहब आंबेडकर ने हम सभी देशवासियों को ये अनमोल ताकत दी है, लेकिन बंगाल में ममता दीदी वोट करने की आपकी ताकत को छीनती रही है, लूटती रही है। लेकिन मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब दीदी को लोकतंत्र को कुचलने नहीं दिया जाएगा। आगेर निर्वाचन गुलीते टीएमसी जा कर तो ए बार हो बेला, आपनारा आश्वस्त साकोन सबाई एक संगे रखे दाड़ान, निर्भय वोट देन। इस बार
जोर से छाप कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप।